हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, कल आप लोगों को हमने एमबी बुक 2019 से सेट नंबर 7 का सलूशन करवाया था। आज एमबी बुक से 2019 का सेट 8 का सलूशन लेकर के आया हूँ। ओके गाइस, पूरा सेट दिखेगा, बहुत शानदार तरह से हम लोग सोल्व करवाने वाले हैं। पूरी बुक आपकी सोल्व हो जाएगी डेली 9:30 बजे रात में, और सुबह 8 बजे हम लोग आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं। सो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा। जिन्होंने चैनल पर अभी विजिट किया है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इतना हक बनता है हमारा आपसे कहने के लिए। सो गाइस, यहाँ शुरू करते हैं कल की तरह अपनी आज की बात। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इनमें से कोई एक वर्ड है जो कि करेक्टली स्पेल्ड है, आपको उसे छांटना है। जैसे कि पहला वर्ड है ब्यूरोक्रेसी, जिसकी स्पेलिंग शुरू में गलती दी है, BUR, जो कि रोंग यहाँ पे BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी, यानी कि अधिकारी वर्ग के लोगों को बोलते हैं, तो ये रोंग है। अगला है रिक्रूटमेंट, ये भी रोंग है आपकी, RECRUITMENT, रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती प्रक्रिया, उसके लिए लगाते हैं बच्चों। अगला वर्ड है रेम्बर्समेंट, जो कि बिल्कुल ठीक है, रेम्बर्समेंट मतलब किसी चीज़ की भरपाई करना, हर्जाना भुगतना कुछ भी, तो भरपाई करना किसी चीज़ की, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और सी इसका रहेगा करेक्ट आंसर, क्योंकि करेक्ट स्पेलिंग आपकी यही करेक्ट है यहाँ पे। सर्विलेंस की स्पेलिंग भी गलत है, SUREVEILL आपका दो बार होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फिलहाल सी, पूरी तरह से करेक्ट। ओके गाइस, अगला जो है वह है आपका idioms। idiom यानी कि मुहावरा। मैंने आपको जैसा कि कल ही बताया था कि 25 क्वेश्चन के सेट में कम से कम 2 idiom आपके लिए डेली रहेंगे, और काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं ये अपना एग्ज़ाम्स के अंदर, जैसा कि आपको पता है बच्चों। तो फिलहाल यहाँ पे आज का जो idiom है बहुत ईजी सा idiom है, टू टेक द बुल बाय द horns, यानी कि आपको बुल यानी कि सांड या बैल का सामना करना है उसके horns को पकड़ते हुए, यानी कि उसके सींग को पकड़ते हुए, जो कि बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप डायरेक्ट सामना कर रहे हैं उसका, उसके हॉर्न को पकड़ते हुए। तो टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब किसी मुश्किल स्थिति का बिना डरे सामना करना, किसी मुश्किल स्थिति का बिना डरे सामना करना। टू स्पीक एरोगेंटली, उदंडतापूर्वक बोलना बिल्कुल नहीं। टू मर्डर समवन बिल्कुल नहीं। टू सरेंडर टू द एनिमी, एनिमी के सामने अपना को सरेंडर कर देना। टू हैंडल डिफ़िकल्टीज, बिल्कुल इसका आंसर आपका होना चाहिए यहाँ पे डी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला जो सेंटेंस है बच्चों, ये आपका जंबल सेंटेंस है, यानी कि जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं PQRS, यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस को सही सीक्वेंस में लगाना है। इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि सबसे पहले सेंटेंस में आप लोग सब्जेक्ट ढूंढें कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ पर है। ऑल दो बच्चों, डायरेक्ट ऑल दो से सेंटेंस आप शुरू नहीं कर सकते, ये कंजक्शन है जो लगता है आपका विरोधाभास के लिए, इसका मतलब होता है हालांकि या यद्यपि। तो आप ऑल दो आई हैड अ फियर ऑफ वाटर, आई थॉट इट वॉज एन इम्पोर्टेंट स्किल आई शुड लर्न, हालांकि मुझे पानी से डर लगता था, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक इम्पोर्टेंट स्किल है जिसको मुझे सीखना चाहिए था। हाउएवर What I didn't realize was that it would also make me a more confident person. So, मुझे realize नहीं हुआ इस बात का कि इससे मैं जो है कि important confident person बन सकता था। I also thought, बच्चों also आ गया है, इसका मतलब इससे पहले कोई बात कुछ कही गई है। I also thought, यानी कि मुझे भी लगता था, तो गाइस यहाँ पे इससे पहले कोई सेंटेंस रहा होगा। One of the hardest thing I have had to do was to learn how to swim. सबसे मुश्किल काम जो मुझे करना था वो सीखना था मुझे तैरना, क्योंकि मुझे पानी से लगता डर। सो गाइस, यानी कि ये बात तो कंफर्म है कि सेंटेंस की शुरुआत होगी डी से।
यस गाइस, सेंटेंस की शुरुआत जो होनी है वो होनी है डी से। अब गाइस यहाँ पे डी के बाद क्या आना चाहिए ये देखने वाली बात है। हालांकि डी आपको दो ही ऑप्शन में दिया गया है, डी के बाद उसने सी का इस्तेमाल किया है और डी के बाद उसने ए का इस्तेमाल किया है। डी के बाद अगर सी का इस्तेमाल करूँ, आई ऑल्सो थॉट इट वुड बी अ गुड एक्सरसाइज दैट वुड मेक मी फिजिकली स्ट्रोंगर, तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज है जो मुझे फिजिकली स्ट्रोंग रखेगी, मजबूत रखेगी। ऑल दो आई हैड अ फियर ऑफ वाटर आई थॉट इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्किल आई शुड लर्न। गाइज नहीं, यहाँ पर डी के बाद सी आपका ज़्यादा बेटर बैठ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। एग्जाम में भी कुछ इसी तरह से आपको करना होगा। हालांकि यहाँ पर आपको समझाते वक्त करा रहा हूँ तो थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको किसी को समझाना नहीं है, खुद से करना है, बहुत तेज़ी से दिमाग लगाना होगा, सेंटेंस आप बहुत जल्दी पकड़ जाएंगे, बड़ी बात नहीं है। अगला फोर्थ सेंटेंस में कह रहा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। पहला वर्ड है डेफिनेशन, डी ई एफ आई एन आई टी आई ओ एन, लीजिए पहला ही वर्ड यहाँ पे करेक्ट दे दिया गया है, डेफिनेशन। अक्सर लोग जो हैं डेफिनेशन की स्पेलिंग को डी ई एफ आई एन ए करते हुए चलते हैं, उनको लगता है कि डेफिनेशन है, जबकि बच्चों डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन है। सो यहाँ पर अक्सर लोग गलती करते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बच्चे उन गलती करेंगे, आप में से भी कितने लोगों ने गलती की मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन फिलहाल इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट, डेफिनेशन की स्पेलिंग ये सही है, ये रॉन्ग है पूरी तरह से। कंपटीटर सी ओ एम पी ई टी आई टी ओ आर, तो गाइस यहाँ पर ये आपकी रॉन्ग है, प्रतिद्वंदी। अगला है प्रोलिफरेट पी आर ओ एल आई एफ ई आर ए टी ई, जो कि यहाँ पर रॉन्ग हो गया है। बेनिफिशियरी बी ई एन ई एफ आई सी आई ए नॉट ई, तो ये भी आपकी रॉन्ग है। हालांकि जब पहला आंसर सही है तो बाकी सब रॉन्ग ही होंगे, सिंपल सी बात है, लेकिन मुझे चारों ऑप्शन बताना फर्ज बनता है आपको। अगला वर्ड है हमारा इरुडाइट, ई आर यू डी आई टी ई, बचपन में आपने ऐसा अनार पढ़ा होगा जो कि ख़त्म होता था गै से ज्ञानी पर, तो गैस इरुडाइट मतलब गै से ज्ञानी, यानी कि कोई बहुत ही पढ़ा लिखा स्कॉलर व्यक्ति। हमें बताना है यहाँ पे सिनोनियम्स, सिनोनियम्स हो जाएगा इसका लर्न मीन्स पढ़ा लिखा, अगर बताना होता एंटोनियम्स तो इसका होता इलिटरेट। यस गाइस, यहाँ स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, फैशनेबल मतलब जो फैशनेबल बंदा हो कोई। यस गाइस, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन करेक्ट। आपको बताना है इसका पैसिव, एक्टिव से पैसिव बनने का तरीका मैंने आपको कल ही बताया था, सिर्फ रूल्स पर पकड़ बना कर रखें, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी सेंटेंस में आपको ढूंढने की। जैसे कि यहाँ उसने लगाया इज एम आर प्लस आई एन जी, अगर वो इज एम आर प्लस आई एन जी का इस्तेमाल कर रहा है तो आपको भी इज एम आर प्लस आई एन जी का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन साथ में आपका लगेगा बींग, आई एन जी आपकी रहेगी बींग की और वो आपकी थर्ड फॉर्म। सो गाइस यहाँ पर अरेजेंसर यूथ हॉस्टल इज कंस्ट्रक्टेड, बिल्कुल पहला रॉन्ग हो जाएगा, दूसरे में वोज आ गया है, तीसरे में हैज़ आ गया है, सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ आपको चाहिए थी इज एम आर प्लस बींग प्लस थर्ड फॉर्म वो आपकी फोर्थ ऑप्शन में है, और फोर्थ ऑप्शन ही होगा आपका इसका आंसर। तो ये तरीका है बच्चों एक्टिव से पैसिव और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का, आप रेस से बाहर निकालना सीखें। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बना दूंगा एक्टिव से पैसिव और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो आप गलत सोच रहे हैं, इतना ईजी नहीं रहेगा आपके लिए एग्ज़ाम में, ये ज़्यादा ईजी है कि आप रेस से बाहर निकालना सीख जाएँ। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर सेवन से चलते हैं, क्या कह रहा है। एक बहुत शानदार क्लोज टेस्ट आपको दिया गया है, जरा पहले इसको पढ़ लीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि ड्रग एडिक्शन इज द कंटिन्यूड यूज ऑफ पर्टिकुलर ड्रग डैश हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस, ड्रग एडिक्शन नॉट ओनली अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स हेल्थ एंड रिलेशनशिप बट ऑल्सो डैश द सोसाइटी एंड एनवायरमेंट, यानी कि ना केवल एक व्यक्ति पर, निजी व्यक्ति पर, बल्कि समाज पर भी ये बुरा प्रभाव डालता है ड्रग्स एडिक्शन। सो गाइस यहाँ पे चलते शुरू करते हैं अपनी बात को। ड्रग एडिक्शन इज द कंटिन्यूड यूज ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग डैश हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस, ड्रग एडिक्शन जो है एक कंटिन्यूड यूज ऑफ पर्टिकुलर ड्रग है जो कि हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस होता है। यहाँ पर ऑप्शन में हमें दिया गया है डिस्पाइट ऑफ, जो कि रॉन्ग है, डिस्पाइट ऑफ कुछ होता ही नहीं है, इन डिस्पाइट के साथ ऑफ हमेशा आया करता है, ये भी रॉन्ग है। देखिए दो तो उसने खुद ही बाहर निकाल दिए, दो आपका लगता है विरोधाभास के लिए, और दूसरी बात दो आपका एक कंजक्शन है, प्रपोजिशन नहीं है, तो ये वैसे रेस से बाहर हो गया बिकॉज दो के बाद वाले पार्ट में यहाँ वर्ब नहीं है कहीं भी। बच्चों दो जो है एक कंजक्शन है हमारा, जिसके बाद वाले पार्ट में सेंटेंस होना चाहिए पूरा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब पूरा कंप्लीट होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है,
इसका मतलब वैसे ही रॉन्ग है। और डिस्पाइट हमारा एक प्रपोजिशन है जिसके बाद वाले पार्ट में वर्ब का होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है मतलब होनी ही नहीं चाहिए वर्ब। तो ये दो इसलिए रेस से बाहर हो गया। अब आपके पास चॉइस ही नहीं बचती है डिस्पाइट के अलावा कुछ और लगाने की, यानी कि सेवन्थ का आंसर आपका डी ही होगा, ये कन्फर्म है। ड्रग एडिक्शन इज द कंटिन्यूड यूज ऑफ पर्टिकुलर ड्रग डिस्पाइट हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस, वेरी गुड। ड्रग एडिक्शन नॉट ओनली अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल हेल्थ एंड रिलेशनशिप, ना केवल वो इंडिविजुअल हेल्थ को प्रभावित करता है बट ऑल्सो डैश द सोसाइटी, तो इसका सोसाइटी पर भी प्रभाव पड़ता है। इम्पार्ट्स, इम्पैक्ट्स, रिफ्लेक्ट्स या रिड्यूसेस, तो गाइस यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं इम्पैक्ट। क्या लगाएंगे यहाँ पे बच्चों? इम्पैक्ट, क्योंकि इसका समाज पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है कि अर्थ में बात हो रही है। तो अच्छा होगा कि आप एट्थ ऑप्शन में इम्पैक्ट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? इम्पैक्ट का। तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा बी, यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। प्रिवेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ ड्रग्स कैन बी पॉसिबल बाय डैश, प्रिवेंशन यानी कि ध्यान रखना, ऑफ अ पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ ड्रग्स कैन बी पॉसिबल बाय डैश देयर सेल विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन, तो ये तभी संभव है जब उन पे कुछ बैन वगैरह लगाया जाए। देयर सेल विद अ प्रिस्क्रिप्शन, तो कंडक्टिंग जी नहीं, रिस्ट्रिक्टिंग बैन लगाना, परफॉर्मिंग बिल्कुल नहीं, प्रमोटिंग बिल्कुल नहीं। तो क्या यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ बी करेक्ट, आपको उस पर बैन लगाना होगा तभी जाकर के कुछ चीज़ें रुक पाएंगी। ये ड्रग एडिक्ट्स शुड बी गिवन प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड डैश फैसिलिटीज, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और डैश फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। वो डैश फैसिलिटीज कौन सी होंगी? रीजेनरेशन बिल्कुल नहीं, रिजिग्नेशन त्याग पत्र देना बिल्कुल नहीं बच्चों, ये तो कहीं से कतक भी नहीं हो सकता है। रिहैबिलिटेशन मींस किसी की नशे की लत को सुधारना, ये हो सकता है। और रिग्रेशन मतलब पतन, ये भी होने से रहा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सी करेक्ट। मोटिवेशनल एंड अवेयरनेस कैंप्स शुड बी ऑर्गेनाइज टू स्केल डाउन द कंज्यूम्पशन ऑफ ड्रग्स, यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कंज्यूम्पशन ऑफ ड्रग्स, जिससे कि ड्रग्स की खपत जो है कम हो सके। तो यहाँ पे 11th में का की के कैप्स में हम लोग बी ऑप्शन लगाने वाले हैं ऑफ। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ कि क्लोट टेस्ट आपको खूब अच्छे समझ में आया होगा। यहाँ हम लोगों ने एक 100 क्लोट टेस्ट की सीरीज शुरू की थी, जिसके लिए कल आप लोगों के मैसेज भी थे कि सर आपने 100 क्लोट टेस्ट सीरीज वाली क्यों बंद कर दी। देखिए यहाँ क्लोट टेस्ट आपको इंडायरेक्टली मिल ही रहा है वीडियो के दौरान, 5 मार्क्स का, और पूरा सेट भी करने को मिल रहा है। हालांकि हम लोग कराएंगे बच्चों, बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप लोग, कंटिन्यू रखेंगे उसको भी। अगर आपको अच्छी लग रही है सीरीज वो, तो हम लोग कंटिन्यू जारी रखेंगे उसको, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, अगला है आपका एल्योर। क्या आपका एल्योर? एल्योर मतलब होता है बच्चों ललचाना। यस, एल्योर मतलब किसी को ललचाना या घृणा पैदा करना किसी को, जब वो चीज़ उसको नहीं मिलेगी तो। जैसे कि आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, तो ये लोमड़ी ने फैसला कर लिया था कि अंगूर खट्टे हैं। क्या वास्तव में अंगूर खट्टे थे? जी नहीं, जब कोई चीज़ वो नहीं प्राप्त कर पाई तो उसने ये बहाना मार के छोड़ा कि अंगूर खट्टे हैं, यानी कि इससे हमें शिक्षा मिलती है। जब हम लोगों को सफलता नहीं मिलती है तो हम लोग सामने वाली चीज़ में कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं, वही कमियां उसने ढूंढना शुरू करती थी। पहला वर्ड है रिवाइव। रिवाइव मतलब किसी चीज़ को फिर से पुनः ऊर्जावान बनाना, जी नहीं। रिवाइंड किसी को उल्टा फिराना, बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चों ऑप्शन यहाँ पे। अगले दो ऑप्शन मैं पेज पढ़ने से अच्छा होगा कि आपको यहीं बता दूँ कि क्या क्या दिए गए ऑप्शन आपके लिए। वो रिपल्स घृणात्मक, जो कि इसका आंसर हो सकता है। एल्योर मतलब ललचाना, रिपल्स मतलब घृणात्मक, क्योंकि इसका अपोजिट हो जाएगा ये। ओके गाइस, और अगला जो वर्ड दिया गया है यहाँ पे वो दिया गया है अट्रैक्ट, जो कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो 12th का आंसर हो जाएगा सी पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि अ लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच, एक लंबी और एग्रेसिव स्पीच, भड़काऊ भाषण किसको कह सकते हैं? पहला वर्ड है हरेंग यू, भड़काऊ भाषण के लिए लगता है। एच ए आर ए एन जी यू ई। सो गाइस, ये हमने 2014 के इलेक्शन से पहले आपको वर्ड याद कराया था, 2014 या शायद 2019 के इलेक्शन से पहले ये वर्ड बना था उस दौरान।
सीरीज में सामने आया सबके। राखी सावंत ने अपनी एक पार्टी शुरू की थी जिसमें वो ग्रीन कलर के कपड़े पहन करके लोगों के सामने आई कि हम लोग शांति का प्रतीक देंगे। तो गाइस आपको तो पता ही है कि राखी सावंत का अंदाज, तो उसको याद रखेंगे हम लोग हरे रंग के कपड़े पहनकर राखी सावंत जो है भड़काऊ भाषण दे रही है, तो ये उस तरह से याद रखा गया था। अगला वर्ड है एलोक्वेंस। जो वर्ड है यहाँ पे एलोक्वेंस मतलब बोलने में एक्सपर्ट। प्रोलोग किसी नाटक के शुरुआत वगैरह में दिया गया कोई प्रस्तुति, डिस्कशन मतलब आपको पता ही है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ए ही पूरी तरह से करेक्ट। द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड, कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज जहाँ से आपने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की हो, इसके लिए बड़ा प्यारा वर्ड है बच्चों एल्मा मेटर। कभी जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हर राइटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि इनका एल्मा मेटर क्या था, यानी कि इन्होंने कौन से स्कूल से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी उसके लिए। तो यहाँ पर ये वर्ड हो जाएगा आपका। अगला वर्ड है एलुमिनी, किसी शिक्षण संस्थान के पुराने विद्यार्थी और ग्रेजुएट और मेंटर, ये तो आपको पता ही है बच्चों कॉमन वर्ड है। अगला आपका है PQRS। जैसे कि पहला सेंटेंस है ड्यूरिंग से शुरू हुआ है, तो कम से कम ड्यूरिंग से कोई सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता है। हीना मसूरी इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ द गर्ल्स इन जापान विशिंग देम अ ब्राइट फ्यूचर। तो कोई जापान में ये कोई उत्सव है जिसमें महिलाओं को यानी कि लड़कियों को सेलिब्रेशन करने का मौका दिया जाता है और उनको विशिंग की जाती है। दीज रॉयल लुकिंग डॉल्स आर ड्रेस इन द क्लोथिंग ऑफ द हेयन पीरियड। दीज डॉल्स रिप्रेजेंट द एम्पायर एम्प्रेस एंड अदर रॉयल रिप्रेजेंटेटिव्स। सेंटेंस में जो शुरुआती समस्या रहेगी वो रहेगी आपकी बी, क्योंकि वहाँ आपको एक नाउन दिया गया है और वहीं पर आपको दी गई है एक वर्ब। तो सेंटेंस शुरू होगा बी से। अब बी की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक में ही दिया गया है, तो यहाँ मेरा तो काम 100% ख़त्म ही हो गया अगर देखा जाए तो, क्योंकि ऑप्शन में बी मुझे ढूंढना था और बी सिर्फ एक में ही था, तो ये बहुत ईजी हो गया है काम। तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका डी, यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या कह रहा है। आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है ग्रामेटिकली एरर। गाइज कॉमन एरर सोल्व करने के लिए हम लोग आप लोगों के लिए एक सीरीज और लेकर आए हैं जो कि चल रही है सुबह 8 बजे, जिसका आप आना ले सकते हैं सुबह डेली 8 बजे, बहुत शानदार सीरीज। ओके गाइस उसको पढ़ें, मज़ा लीजिएगा। और एक लाइव बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं जूम पर, जहां आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं अगर चाहें तो। 249 रुपीज़ पर मंथ में ये बैच रहेगा, जिसमें रीजनिंग और इंग्लिश दोनों रहेगा। डेली 1 घंटे क्लास रहेगी, मतलब जितने घंटे उसमें रहता होगा 40 मिनट से पढ़नी पढ़ा सकते हैं उसके अंदर। तो 40 मिनट बहुत होते हैं बच्चों लाइव में पढ़ने के लिए, तो पूरा क्लास रहेगी, पूरी की पूरी क्लास की तरह से रहेगा। आपको जिस किसी को भी ज्वाइन करना हो वो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 8279738238 पर संपर्क करके ऐड हो सकते हैं। मीन्स इसमें आप फीस अपनी सबमिट करा सकते हैं। 22 अप्रैल से बैच शुरू हो रहा है। द ओल्ड मैन डिड नॉट वांटेड, ये देखिए कितनी टुच्ची एरर दी गई है। डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और किसी फॉर्म का नहीं। तो यहाँ पे द ओल्ड मैन डिड नॉट वांटेड की जगह द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट यहाँ पर सेंटेंस के बी पार्ट में आपको एरर दी गई है। ओके गाइस बी पार्ट पूरी तरह से रॉन्ग है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द ब्लैंक्स। ऑल स्टूडेंट शुड एक्सप्रेस देयर डैश व्यूज इन द ग्रुप डिस्कशन विदाउट एनी फियर। तो सभी स्टूडेंट ने जो है एक्सप्रेस किए करने चाहिए देयर डैश व्यूज, देयर आउट स्पोकन मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो बिना कुछ सोच समझ के बोल दे, यानी किस तरह से कह सकता हूँ मैं, जिसे पता ना हो गया मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये आपका नहीं होगा यहाँ पे। अगला है गार्डेड सुरक्षात्मक तरीके से, जो कि नहीं होगा। कैंडिड मतलब फ्रेंकली, ये इसका आंसर हो सकता है। ऑल स्टूडेंट शुड एक्सप्रेस देयर कैंडिड व्यूज, यानी कि फ्रेंक व्यूज जो है उनको क्लियरली बताने हैं ग्रुप डिस्कशन में बिना किसी डर भय के। इसका आंसर आपका होगा सी ही पूरी तरह से करेक्ट। ऑल हिज एंडेवर्स टू विन हिज टीचर्स फेवर प्रूव्ड डैश एंड डिड नॉट ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। प्रिपिचुअल
कभी समाप्त ना होने वाला, जी नहीं। फ्यूटाइल, निसफल, जिसका कोई परिणाम ना निकले, बिल्कुल हो सकता है। अपेरेंट, साफ साफ, स्पष्ट। प्रोस्पीरियस, समृद्धि, पैसे वाला। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ही करेक्ट। ओके गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या कह रहा है आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है ग्रामेटिकली एरर। जैसे कि सेंटेंस का शुरुआती हिस्से में दी गई है एरर। कह रहा है कि नो लीस्ट देन, बिल्कुल नहीं बच्चों, ये रूल ये है ही नहीं। रूल है हमारा या तो नो लेस देन या फिर नो फीवर देन। नो फीवर देन ये आपका लगता है अनकाउंटेबल के लिए और ये लगता है आपका काउंटेबल के लिए। ओके गाइस, तो यहाँ पर सेंटेंस में नो लेस देन की जगह आपको लगाना होगा नो फीवर देन, क्योंकि आगे काउंटेबल खड़ा हुआ है 50 पार्टिसिपेंट। तो 50 को देखते हुए हमें यहाँ पे नो लेस देन के स्थान पर नो फीवर देन का इस्तेमाल करना होगा। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में देगी है एरर। अगला है वोकैबुलरी बेस्ड। एक वर्ड दिया गया है बिजारे, बच्चों इसका मीनिंग होता है अजीबोगरीब, स्ट्रेंज, विचित्र। याद रखें बाजार से, कि बाजार में अजीबोगरीब दुकानें लगी हुई हैं, इस तरह से इसको याद रखें। आपको बताना है एंटोनियम्स। स्ट्रेंज इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। यूजुअल यानी कि सामान्य, बिल्कुल आम, जो लोगों से हटके ना हो। हैप्पी माने खुश, वेयर्ड माने अजीबोगरीब। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी, पूरी तरह से करेक्ट, बिकॉज आपको बताना था एंटोनियम्स। अगर बताना होता सिनोनिम्स तो इसका आंसर होता आपका ए, करेक्ट। 21 देखिएगा, ये आपका एक ग्रामेटिकली रूल है, मैनी ऑफ अ स्टूडेंट। बच्चों यहाँ पर रूल को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से डिवाइड होगा, बिकॉज यहाँ पे उसने बहुत रूल्स का तबाह कर दिया। अगर देखा जाए तो मैनी ऑफ लगा रहा है तो आपको अ हटाना होगा, क्योंकि ऑफ के बाद प्लुरल नाउन आया करता है, या फिर ऑफ हटे यहाँ से, मैनी अ स्टूडेंट होगा। यानी कि कोई एक रूल आपको अप्लाई करना होगा, या तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट या मैनी ऑफ अ स्टूडेंट, मैनी अ स्टूडेंट, सॉरी। तो यहाँ पे आगे वाली वर्ब को देखते हुए मुझे अ हटाना होगा, मैनी ऑफ द स्टूडेंट करना होगा, क्योंकि गाइज अगर मैं मैनी अ स्टूडेंट करता हूँ, रूल ये है बच्चों कि मैनी के साथ में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर मैनी के बाद में कोई आर्टिकल खड़ा हो, ए या एन, तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैनी के साथ में अगर मैं आर्टिकल लगाऊँ तो मुझे सिंगुलर वर्ब चाहिए, जो कि मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे अंडरलाइन पोर्शन को ठीक करना है ओनली। तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट करना होगा। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी, पूरी तरह से करेक्ट। टू फ्लोग अ डेड हॉर्स, फ्लोग बोलते हैं बच्चों कोड़े मारने को। क्या करने को बच्चों? कोड़े मारने को। डेड मतलब मरे हुए को, यानी कि मरे हुए घोड़े को कोड़े मारना, यानी कि कह सकते हैं आप लोग कोई निष्फल काम करना, यानी कि जिसका कोई परिणाम ना निकले। मरे हुए घोड़े को घोड़े अगर आप कोड़े मार रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई रिजल्ट उसका नहीं आना है। टू वेस्ट द एफर्ट, बिल्कुल बच्चों अपने एफर्ट्स को बिल्कुल पूरी तरह से वेस्ट कर देना। 22 का आपका आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट। ईडियम्स का पूरा एक सोल्यूशन किरण बुक से और एमबी बुक से मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ, विथ ट्रिक, कि आप लोग उसको कैसे याद रखेंगे, सुनेंगे और आपको याद हो जाएगा बच्चों। तो ये पूरा कंप्लीट कोर्स किरण बुक से भी और एमबी बुक से भी ईडियम्स का हम लोगों ने बनाया है, जो कि मात्र 99 रुपीज़ में है। कंप्लीट ईडियम्स, लगभग 2000 ईडियम्स होंगे इसके अंदर 99 रुपीज़ में। 40 वीडियोज़ कंप्लीट कोर्स, जो चाहे खरीद सकता है, बहुत ईजी सा कोर्स है, ओनली 100 रुपीज़ में है। आपको बताना है अगले वाले सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, हालांकि सेंटेंस अगले पेज पर ही जाना पड़ेगा हमें। कह रहा है कि व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, इट वाज मैंडेटेड टू रजिस्टर माय लॉयल्टी सॉरी लीगली एज एन ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर। आपको बताना है कि ये अंडरलाइन वाले पोर्शन में क्या मिस्टेक है। व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, इट वाज मैंडेटेड टू रजिस्टर माई नहीं रजिस्टर माई सेल्फ टू रजिस्टर माई सेल्फ तो मुझे खुद को जो है अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर करना था। तो क्या यहाँ सेंटेंस में
बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 24 पर। हेलो ही सेड टू हिज फ्रेंड व्हाट कैन आई डू फॉर यू। सेंटेंस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर आधारित। यहाँ पे बच्चों उसने कहा हेलो ही सेड टू हिज फ्रेंड व्हाट कैन आई डू फॉर यू। कैन को करना होगा कुड, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे और चौथे में है। हेलो ही ग्रीटेड हिज फ्रेंड एंड आस्क व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। ही टोल्ड हेलो एंड आस्क हिज फ्रेंड व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। जी नहीं, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला है वोकेबरी, वर्ड है आपका वॉयलेंट, वी आई ओ एल ई एन टी। बच्चों वॉयलेंट वर्ड का मतलब है उग्र या आक्रामक या हिंसक। आपको बताना है सिनोनिम्स। काइंड माने दयालु होता है बच्चों, जो कि इसको एंटोनिम्स हो जाएगा। माइल्ड माने नम्र स्वभाव का, जो कि इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। काम माने शांत, जो कि इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। एग्रेसिव यानी कि हिंसात्मक। याद रखें कि आगरा में शिव आक्रामक हो गए और यही इसका होगा प्रॉपर आंसर। सो गाइज 25 क्वेश्चन का था ये सेट पेपर, जो कि मैंने आपको सॉल्व कराया, कल भी मैंने आपको सॉल्व करवाया था। ये बच्चों इसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है हमारे पास यूट्यूब पर, आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें अब तक के सभी सेट जितने सॉल्व कराए गए हैं सब आपको एक साथ मिल जाएंगे। आप पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं किसी भी सेट का जा करके। अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको और भी इस तरह की वीडियोस मिल सकें, और लाइक करके आप हमारा हौसला भी बढ़ा सकते हैं। ओके गाइस, सो इसी तरह से अपना साथ देते रहिएगा। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।